जी तो वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये बयानियाँ अपनाया जा रहा है कि फैसला 4-3 है, 3-2 का या 5-2 का नहीं है। हुकूमत बाज़िद है कि जी उनके हक में लिखे गए इन मौजूद जज साहिबान के खिलाफी नोट्स को अहमियत देते हुए फैसले पर असरअंदाज किया जाए और जो फैसले के वक्त बेंच का हिस्सा भी नहीं थे। अब इस फैसले के हवाले से मुल्क के नामवर माहिर कानून और खुद हुकूमती इत्तेहादी जमात के रहनुमा क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमरता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूँ उसको जब तलब करेगी अदालत वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को, वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। जिस तरह आपने देखा था यूसुफ रजा गिलानी हमारे जब वजीर आजम थे, न सिर्फ उन्हें सजा हुई थी तो आईने अदालत की, वो वजारत उज़्मा से भी सुबुकदोश कर दिए गए थे और 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब जो है ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत खुद चाहती है कि इन मामलों में इतना उलझा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को कि तौहीन अदालत के ऑफ शूट्स खुलते चले जाएँ। जो भी इस हुक्म की एग्जीक्यूशन में रुकावट बने उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी नाअहल हो सकते हैं, वो तो बड़े इंस्ट्रूमेंटल हैं, तो उन्होंने सब कुछ इसको देखिए ना, वाइस के बाद यानी जब 90 दिन पूरे हो गया उसके बाद में जवाब ही कोई नहीं रह जाता, तो हालात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो मुनासिब चाहे हुक्म पास कर सकती है इस हवाले से। लेकिन जब इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी तो जाहिर है इनके खिलाफ ना सिर्फ ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के मुताबिक इनको सजा मिलेगी। सजा दो किस्म की हो सकती है, एक सिम्बॉलिक हो सकती है, टिल्डाइजिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट उनको वो दे सकती है उसके नतीजे में बिल्कुल वो नाअहल हो जाएंगे 5 साल के लिए, और अगर उनको जेल भेज दिया जाता है तो भी उसके नतीजे में वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्की सियासी मुआशी और आइनी सूरत हाल को देखते हुए गुज़िश्ता समात में मुल्क की तमाम सियासी जमातों को एक मौका दिया था कि जिसकी मोहलत जो है वो अब आज ख़त्म हो गई है, अब कल क्या फैसला होगा अहम सब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। गोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।